मेरा नाम है नैतिक। तो अभी आया ही था व्लॉग बनाने और नेवले के दर्शन हो गए। तो अभी मैं कंप्यूटर में खेल रहा हूँ मेरी फेवरेट गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। आप देख ही सकते हैं मेरे कंप्यूटर में खेलता हूँ मैं। कंप्यूटर सॉरी पीसी बोलते हैं उसको। उसमें खेल रहा हूँ मैं। क्रिएटिव सर्वाइवल दोनों में खेलता हूँ। मेरे को इसमें क्या कहते हैं मज़ा आता है। और मेरा एक दोस्त है जय, उसको उसको भी ये गेम पसंद है। उसने ही मेरे को ये गेम सजेस्ट करवाई थी। तो देखो तो वो भी मेरा व्लॉग देखता है। तो थैंक यू भाई हमारे व्लॉग को देखने। और आप सबका भी थैंक यू, आप हमारे व्लॉग देखते हैं। और अभी हेती शूट करेगी मैं कंप्यूटर। तो गाइस अभी मैं खेल रहा हूँ इधर पीसी पे। इधर क्या कहते हैं पीसी पे खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो ये मेरे फालतू डॉग्स है। इसका नाम है टोनी गूगलू, टोनी गूगलू, बॉबी मोको, और इसका नाम है थॉर। और एक कुत्ता मैंने पहले भी पाला था, उसका व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। उस कुत्ते का नाम था सुपरमैन। उसको ये देखिए फूल चढ़ाया, दूसरी बार भी फूल चढ़ा ही देता हूँ क्या जाता है। इस बार वेदर और आप में से कितने लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं वो बता देना। मेरा दोस्त भी है एक चाय, और मेरा एक दोस्त है जय, और उसने ही मेरे को ये गेम सजेस्ट करवाई थी। तो मैं अभी यही गेम खेल रहा हूँ क्योंकि ये गेम मेरे बहुत पसंद आ गई है। इसमें क्रिएटिव सर्वाइवल में दोनों खेलता हूँ। इधर मेरे को वो क्या कहते हैं एडवांसमेंट मिली थी उसका है। पीसी में खेलता हूँ पीसी में। और स्टार्ट अपना ये रहा, इसका नाम है रॉकी। और ये दो जंप में इस डांस को आपको बता दूं इसकी ताकत। ये इसको जंप मारा मारा के मैं ये पूरे फैंस को क्या कहते हैं फूल के जीत सकता हूँ। देखिए अब ये देखिए अंदर भी आ गया। तो मैं मेरे पीसी पे बहुत जने बनाने का है। मैं एक गोलम बनाने लिखा है। मैं गोलम अभी स्पॉन करूँगा मेरा खुद का अपना। ये तो विलेजर्स की सेफ्टी के लिए बनाया है। और ये है मेरा वर्ल्ड। और ये बहुत सारी ट्रीज मैंने बनाई नहीं है। इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए होंगी कुछ। सबसे पहले तो बोन मिल तो चाहिएगी। और ये है मेरा स्केलेटन एक्सी फार्म। वेंडिंग ट्रेडर देखो वहां पे है। हाँ वेंडिंग ट्रेडर। तो ये अभी पता नहीं मेरे पीसी में प्रॉब्लम हो जाती है। जो ये प्रॉब्लम है रोज का इसका है। तो मैं रोज इसको क्या कहते हैं बंद कर देता हूँ तब जाके मेरी गेम शुरू होती है। तो ये है मेरा कीबोर्ड जिससे मैं करता हूँ। तो अभी ये भी शूट करेगी क्योंकि अभी तो मैं गेम खेल रहा हूँ। तो हेलो गाइस, तो ये देखिए मेरा इस फार्म को बोलते हैं स्केलेटन फार्म जो कि मैंने खुद को बनाया है। स्केलेटन एक्सल फार्म या स्केलेटन फार्म कुछ भी बोल सकते हैं आप। और इसके लिए मैं पीसी में खेलता हूँ इसलिए मेरे को कुछ चिंता नहीं होती है क्योंकि मैं पीसी में ही खेलता हूँ। पीसी में तो मेरे को चिंता होती ही नहीं है। तो इसलिए बाकी फ़ोन में क्या होता है एम रिकॉर्ड खेल तो गेम करोगे। तो अभी मैं मारा हूँ स्केलेटन जो कि हो गए हैं बहुत सारा बहुत ज़्यादा स्केलेटन को मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को। अभी ऐसा कर रहा हूँ
पे एक मिनट हो चुकी है और इतने सारे बोर्ड हो चुके हैं, तो बिल्कुल ही अच्छी बात है। उन्होंने बोर्ड है वो इसको हम रिपेयर कर देंगे और रिपेयर करने से उन बोर्ड को मैं रिपेयर इसलिए करता हूँ जैसे कि मेरे बो की हेल्थ कम पड़ जाती है, तो मैं उन बो को तो राइस नैप पे 2 मिनट हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने क्या कहते हैं एनविल में जाके उन दोनों बो को कंबाइन कर देता हूँ, जिससे मेरी बो भी बच जाती है और वो क्या कहते हैं स्केलेटन से बो मिली हुई बो क्या कहते हैं यूज भी हो जाती है। और मैं आपको आपने सोचा होगा कि मैंने क्या कहते हैं मैंने तो ये फार्म कब का बनाया हुआ है, तो इसमें इतना ज़्यादा सामान क्यों नहीं है। इसका भी एक रीज़न है, मैंने सारा सामान इधर स्टोर कर दिया है, तो आप इधर से देख ही सकते होंगे कितना सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारे स्टैक बोन्स के हैं। तो अभी हो चुके हैं पूरे के पूरे 3 मिनट हंटर या स्केलेटन आया मैंने मार दिया हंटर की वजह। नो अभी तो ब्लॉक चलेगा और ज्यादा। तो अभी आ गए हैं बहुत सारे स्केलेटन जिसको मैं मारने वाला हूँ 2 मिनट में। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इनको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रे में कन्वर्ट करने से ये बहुत सारे लूट भी देते हैं इसलिए, और इसको स्ट्रे में कन्वर्ट होने देता है। तो अभी हमको मिल रही है यह सब स्टिक, इसलिए कल से ही वीडियो को शूट करेंगे और इन सबको मैं मारता हूँ। अबे एक तो जंप ही मार दिया है, इनको उछाल उछाल के मार दिया है। और मेरी एक्स की कितनी बड़ी है वो मैं अभी देख लूँगा सर्वाइवल में जाके, क्रिएटर में पता नहीं चलता है अपनी एक्स की कितनी है। ये गया 70 एक्स भी है। एक बार मैंने एक एंडर ड्रैगन वो भी मारा था। अभी मैं जा रहा हूँ क्रिएटर मोड में, मैं इस वर्ल्ड में मैं क्रिएटर में ही खेल रहा हूँ, सर्वाइवल में नहीं खेल रहा हूँ। इसमें एक्सपीरियंस ले और वो सब के लिए जाता हूँ। अब स्केलेटन को देख पाता हूँ, आपको ही ऐसा फॉर्म बनाना है मुझे कमेंट में बताने कैसे। ओके ये तो मेरे दोस्त के लिए बोल रहा हूँ, तो आप भी करते हो तो आप भी मुझे बता सकते हो कमेंट में। अब मेरे मुंह के सामने क्या लगा के रखी है इसके सामने कहाँ। तो अभी मैं चला जाता हूँ बाहर क्योंकि स्केलेटन आ गए हैं बहुत सारे नीचे। ये फार्म मेरा पहला फार्म था जब मैंने ये पहला फार्म बनाया जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क किया है। तो अब मैं इन स्केलेटन को मार देता हूँ। तो आपने सोचा होगा कि इधर मैं सॉर्ड से क्यों मार रहा हूँ। आपको बता दूं कि मेरे दोस्त के लिए ये सजेशन है, माइनक्राफ्ट में सॉर्ड से ज़्यादा
क्या कहते हैं एक्स में डैमेज बहुत होता है, अगर उसमें उसके इंजेंटमेंट लगा ले सॉर्ड की तो उसका अटैक डैमेज 13 हो जाएगा और इसका 11 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डैमेज एक्स का पड़ेगा जो कि मेरे पास इंजेंटिंग है, मतलब मेरे पास फायर एक्सपर्ट भी लगी हुई है उस एक्स में, इसलिए स्नो सारी पिघल जाती है, मेरे को फिर से ठीक करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा इनके लिए ये एक्स ही लगता हूँ, ये सॉरी लगता हूँ इंजेंटमेंट वाली बिना, इस पर भी मैं शार्पनेस लगाई दूंगा आज। और वीडियो हो गया है पूरे के पूरे कितने 7.5 मिनट का होने वाला है वीडियो, 7 मिनट का है देख। हाँ अभी 7.5 मिनट का होने ही वाला है, तो मैं ले लेता हूँ क्या करे शार्पनेस की बुक चाहिए, बुक्स 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 बुक्स, इसमें मिलेगी शार्पनेस की बुक्स। अरे मेरी शार्पनेस फिर क्या, मेरे स्माइट नहीं लेंगे, वन एक्सपर्ट नॉक बैक लेंगे, फायर एक्सपर्ट नहीं लूटिंग स्प्लिटिंग एज अम्ब्रेलिंग, इतने ही इंजेंटमेंट लगाऊंगा इसमें, अभी इसमें कहाँ लगाऊंगा एनविल में ही लगाना है। तो मैं अभी क्राफ्टिंग टेबल में लगाने जा रहा था, पहली लगी शार्पनेस, दूसरी लगी नॉक बैक, तीसरी लगी रूटिंग और चौथी लगी स्वीपिंग एज और पांचवी लगी अनब्रेकिंग। अरे मैं मेंडिंग भी लगा सकता हूँ पर मेंडिंग में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ तब इससे एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है, इससे जो हमारी एक्सपी होती है वो सीधा हमारे टूल को रिपेयर करती है, तो हम टूल को तो ऐसे भी शॉर्ट शॉर्ट का सोड हमारे पास काफ़ी सारी सोड होती है, उसमें एनविल से क्राफ्टिंग टेबल से भी रिपेयर कर सकते हैं, पर हमारे एक्सपी से हम अपनी सोड को भी दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। अभी तो मेरी 70 थी, अभी पता नहीं ये क्यों बहुत ज़्यादा स्पॉन नहीं हो रहे हैं, तो अभी लगता है मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें, जैसे कि स्केलेटन को स्पॉन करना ऐसे ये खुद ही जाते हैं क्योंकि इधर मैंने स्पॉनर लगाए हुए हैं। और हाँ एक चीज़ को बता दूँ कि आपको स्पॉनर क्रिएट में या सर्वाइवल में तो आपको माइनक्राफ्ट में देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको मिलेगा नहीं, और इसमें भी क्रिएटिव में नहीं मिलेगा क्योंकि ये पीसी है। तो मैंने एक कमांड देके इसको लिया था और इधर ये बहुत सारे मर रहे हैं, देखता हूँ कितना स्टैग ऑफ आ गए हैं मेरे पास, इन एरो को मैं करूँगा शायद अपने साथ, और ये हड्डियाँ पे हड्डियाँ आ रही है, पर मैं नहीं मार रहा हूँ इसको, मैं स्टोर कर दे रहा हूँ इधर, ये पूरा चेस्टा भर दो दे। हाँ चेस्टी भरना इसलिए तो 8 चेस्ट रखें, दो दो के, ये देखो इधर 4 चेस्ट वो भी दो दो वाले, बहुत ज़्यादा सामान आएगा, इसमें भी ऐसा ही है, तो 8 टेस्ट मिला कर हो जाते हैं अगर एक एक को गिने तो, और ऐसे दो दो को गिने, दो दो वाले लगाया इसलिए दो दो को गिने तो फिर कितने हुए, तो भी 8 ही हुए, एक एक को मिला कर गिने, दो दो मिला के गिने तो ठीक है, चलो 12 ही है। अब तो ये स्केलेटन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको मैं कन्वर्ट होने देता हूँ स्ट्रे में, तब तक मैं करता हूँ आराम। अभी ये वीडियो को करता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद क्योंकि 11 मिनट का भी बन गया है। आज के लिए व्लॉग के लिए इतना ही था, और ब्रिजेस एंड में क्यों नहीं आ रहा है इसका भी एक रीज़न है, वो अभी तलाटी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वो तो नहीं आ सकता है, आज बैकग्राउंड चेंज हो गया क्योंकि अभी मैं दूसरे कमरे में हूँ, वो कंप्यूटर वाले रूम में नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे उस वो पढ़ाई कर रहे हैं टर्ट परीक्षा की, मेरे पापा बैठे हैं वहाँ पे, उनको भी काम है तो
फिलहाल मैं करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना कि हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। बाय बाय।